नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान को ऐसा लगता है मानो जैसे हिंदुस्तान का फोबिया ही हो गया हो। सोते जागते उसे हर तरफ हिंदुस्तान ही दिखता है। डर गया है पाकिस्तान, घबरा गया है पाकिस्तान पूरी तरह से। अब FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, तो इसमें हिंदुस्तान क्या करेगा। लेकिन पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शान महमूद कुरैशी, उनका कहना है हिंदुस्तान ने लॉबिंग करके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाया है। वैसे आपको बता दे, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में पहले ही डाल दिया गया था लास्ट जून में। अब पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। FATF क्या है? FATF एक ऐसी संस्था है जिसका मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका गठन 1989 में हुआ था। काफी सारी कंट्रीज ने मिलकर इसका गठन किया था। ये टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की मॉनिटरिंग करती है। FATF ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी थी कि अपने आतंकवादियों पर नकेल कसो, वरना हम तुम्हें ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। पाकिस्तान भला आतंकवादियों पर क्यों नकेल कसेगा, आतंकवादी तो उसके दामाद हो जैसे। खैर ये तो थी FATF की बात। ब्लैक लिस्ट होना पाकिस्तान के लिए कोई नई बात भी नहीं। पाकिस्तान रेगुलर बेसिस पर कहीं ना कहीं से ब्लैक लिस्ट होता आया है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री हैं फवाद चौधरी, उन्होंने पाकिस्तान में IPL प्रसारण पर रोक लगा दी है। IPL पाकिस्तान में नहीं देखा जाएगा। वैसे इससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है बताएंगे जरा। PSL को कितने लोग देखते हैं पहले आप उस पर ध्यान दीजिए। IPL पर रोक लगाओ या हटाओ ये आपकी अपनी मर्जी है। वैसे भी IPL को मैक्सिमम लोग देखेंगे ही, भले ही वो चोरी छुप कर देखें। ICC में अपनी इंसल्ट की वजह से ही PCB और पाकिस्तान ने मिलकर IPL पर रोक लगा दी थी। हालांकि इंडिया का इससे कुछ लेना देना था नहीं, लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है इंडिया की वजह से हमारी खेल संस्कृति खराब हो रही है, इसलिए ना इंडिया के साथ खेलेंगे और ना ही उनका खेल देखेंगे। FATF के पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने के पीछे भी भारत का कोई हाथ नहीं है। इसके पीछे किसका हाथ है ये पाक को पता है। जमात उद दावा, जैश ए मोहम्मद, ISIS, अलकायदा, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर ए तैयबा और फलाह इंसानियत, ऐसे जो टेरर ग्रुप है, इन्हीं की वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में इज्जत खराब हुई है। पाकिस्तान आज भीख मांगने को तैयार है हर किसी देश से। पाकिस्तान अगर अपने देश को बचाना चाहता है तो इमरान खान को एक्शन लेना होगा आतंकवाद पर। FATF आपको ब्लैकलिस्ट करे या ना करे, पर दुनिया की नजरों में आप पहले से ही ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं।